वन प्लस 9RT। हाँ गाइज, आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि वन प्लस की तरफ से वन प्लस का 9RT इंडिया के अंदर आने वाला है, और इसमें हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में। मैं पता है हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस में बात कर रहे हैं, और मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिए, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आपने नहीं किया है। इसमें हम यही बात करने वाले हैं इसकी प्राइस, लॉन्च डेट एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो वन प्लस का 9RT स्मार्टफोन होने वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। सबसे पहले मैं स्पेसिफिकेशन में आऊँगा, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इस फोन के यहाँ पे बिल्ड एंड डिज़ाइन, मतलब स्पेसिफिकेशन में। तो यहाँ पे इस फोन का जो बिल्ड डिज़ाइन होने वाला है बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगने वाला है। दिखने में ये 9RT जैसे ही दिखने मिल रहा है, बट दिखने में आप बोल सकते हैं लुकिंग वाइज ये फोन बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, और अच्छा लगा मुझे डिज़ाइन के मामले में। फोन इतना भी बुरा नहीं है और इतना भी अच्छा नहीं है। डिस्प्ले में आपको 6.67 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है, सुपर एमोलेड मिल जाता है, साइड पंचिंग मिल जाती है, आप को यहाँ पे फेवरेट एमोलेड पैनल मिल जाता है, 120 रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो आई थिंक डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूरी कर रहा है, और मेरे हिसाब से बढ़िया डिस्प्ले और अच्छी क्वालिटी वाला डिस्प्ले यहाँ पे वन प्लस ने यूज़ किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसके चिपसेट के में। तो यहाँ पे आपको कौन सा चिपसेट देखने मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 888 5G वाला आपको चिपसेट देखने मिल जाता है, जो मैं आपको बता दूँ एक बहुत ज़्यादा बढ़िया चिपसेट है, एंड मेरे हिसाब से एक यही मेजर अपग्रेड है इस फोन के अंदर 9R और 9RT में। सबसे ज़्यादा बड़ा अपग्रेड यही किया है, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया अपग्रेड किया है, क्योंकि ये चिपसेट बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाने वाली है आपके फोन की। गेमिंग आराम से कर लेने वाले उस फोन में, बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम चलने वाला है। ठीक है, कैमराज में जाता हूँ। मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है सोनी का, जिसमें आपको वही इसका सपोर्ट मिल जाता है, 4K भी रिकॉर्ड कर पाओगे, और अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, एंड डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। सेल्फी में जो आपको साइड पंचोल के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। अभी इसका हमें पता नहीं है कि इसमें आपको OIS सपोर्ट मिलता है कि 4K नहीं मिलता है, ये सब अभी पता नहीं है, बट रियर में कंफर्म है कि 4K भी है, OIS भी आपको देखने रियर में मिलता है, अभी सेल्फी का कन्फर्म यहाँ नहीं है। बैटरी में आ जाता हूँ, 4500 mAh की आपको पे बैटरी दी गई है, प्लस टाइप सी, प्लस 65W की फास्ट चार्जिंग, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया बात बन जाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल के ज़माने में मुझे लगता है 50W से कम देना ही नहीं चाहिए कोई ब्रांड को, बट यहाँ पे वन प्लस ने अच्छा काम किया कि आपको 65W मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर और 40 मिनट्स में आपको फोन फुल चार्ज हो जाना चाहिए। तो गाइस ये पूरा यहाँ पे वन प्लस का 9RT डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और UI में भी आपको एंड्रॉयड 11 ऑपर बॉक्स मिलता है, ऑक्सीजन OS के साथ रन करता है, चाइना में कलर OS के साथ गया, बट यहाँ पे आपको ऑक्सीजन OS के साथ ही मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात बन जाती है। तो मेरे हिसाब से वन प्लस 9RT एक बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है। अब मैं दो मेन चीज़ के बारे में बात करूँगा, प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो इस फोन का जो प्राइस निकल के आया ना गाइस, वो निकल के अराउंड 42,999 रुपीज़। अब भाई ये प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब यार मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर फ़ोन का प्राइस 35 to 37 होता तो मैं एक्सेप्ट कर सकता था, बट मेरे हिसाब से 42 बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? एंड बहुत सारे लोगों ने कि आईको सेवन लेजेंड और इसको कंपेयर करेंगे, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल मत करना। क्यों, मैं बता दे रहा हूँ भाई लोग, क्या है ना कि आईको सेवन लेजेंड अभी नया ब्रांड है आईको, आप लोग जैसे कि जानते हो, मैं जितना सुन रहा हूँ उसकी ब्लोटवेयर और ऑप्टिमाइजेशन और उसके सॉफ्टवेयर में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम, तो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि अगर आप लोग वन प्लस ही का फोन ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि आफ्टर सेल में भी आपको अच्छा पैसा मिलता है वन प्लस में, और वहाँ पे आईको में नहीं मिल पाएगा इतना अच्छा जितना आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसलिए मैं वन प्लस का ऑप्टिमाइजेशन, वन प्लस का OS, इसके वजह से आप देखते हो तो मुझे लगता है वन प्लस 9RT एक्सपेंसिव होने वाला है, बट मेरे हिसाब से आईको सेवन लेजेंड से तो बेटर ही होगा। फाइनली बात करें तो लॉन्च डेट के बारे में, तो आज 1 नवंबर हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन जो है ना, ये आप लोगों को 10-15 नवंबर के बीच में आ सकता है, मतलब मिड नवंबर तक आ जाएगा। तो अब ये लीक आई है, मगर ये बात तो कंफर्म है कि भाई नवंबर के मंथ में आ रहा है, तो ये आप लोग इंतज़ार कर रहे थे ना, तो भाई आप लोगों का इंतज़ार का फल मीठा होगा, बट हाँ ये है कि भाई थोड़ा सा महंगा होगा, क्योंकि 42,000 मेरे हिसाब से अभी भी इस फ़ोन के लिए एक्सपेंसिव तो कहलाए गई। तो बताना कमेंट करके आप लोग क्या लगता है, आप लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो? मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा भाई आईफोन 11 आ जाएगा आपको, अभी सेल में मिल रहा ना है कुछ 40 समथिंग में, तो वो ले लो इससे अच्छा। बट आज देखिए, सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट, सबके अपनी अपनी थिंकिंग होती है, तो मैं समझता हूँ जो आप लोग प्रेफर करते हो मुझे कमेंट में बता देना, अगर आप लोग कोई कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूँगा दूर करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल चल रही है और लास्ट चल रहा है सेल का, फिर उसके बाद तो भाई कहाँ इतनी बढ़िया बढ़िया सेल आपको देखने मिलेंगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कोशिश करते हैं डेली वीडियोस लाने के लिए। एंड बताओ, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।